नमस्कार, मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आज संपूर्ण महाराष्ट्र में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। महाराष्ट्र के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। एनसीपी विवाद पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक शरद पवार गुट की पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार बरकरार रहेगा। दरअसल अदालत में एनसीपी विवाद पर जारी सुनवाई के बीच शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि चुनाव आयोग ने उन्हें जो प्रोविजनल नाम दिया है उसे चुनाव तक बरकरार रखा जाए। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शरद पवार गुट को चुनाव चिन्ह के लिए आयोग के पास आवेदन करना होगा और आयोग नियमों के मुताबिक चुनाव चिन्ह देगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पार्टी में लाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी के एक बड़े नेता को पार्टी में लाने की कवायद शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 पर जीत का लक्ष्य रखा हुआ है और पार्टी अपने मास्टर प्लान के तहत विपक्ष के बड़े नेताओं को अपनी ओर लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। खबर है कि राज ठाकरे ने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। जल्द ही उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है जहां वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों ने फिलहाल अभी तक इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस बीच शिंदे गुट की शिवसेना ने भी राज ठाकरे का एनडीए में स्वागत किया है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव की शिवसेना के लिए 18 सीटें तय की गई है और उद्धव ठाकरे ने इन सभी 18 सीटों पर कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिए हैं। इस बीच महाविकास आघाड़ी का सीट आवंटन अंतिम चरण में है। खबर है कि महाविकास आघाड़ी ने करीब 40 सीटों पर अंतिम फैसला ले लिया है, लेकिन बाकी 8 सीटों पर अभी भी अनबन जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। खबर है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए AIMIM महाराष्ट्र के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वे कर रही है। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने अकोला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी के दावों को बड़बोलापन बताया है। उद्धव गुट की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ओवैसी ने हमेशा भाजपा की बी टीम बनकर काम किया है और भले ही हैदराबाद में ओवैसी की दाल गल जाए, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के रहते उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। शिवसेना UBT के प्रवक्ता ने कहा कि ओवैसी 4 सीटों पर चुनाव लड़े या 48 पर, उनकी सभी सीटों पर हार निश्चित है। 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों को फिलहाल शांत रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य सरकार को 20 फरवरी तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। सरकार ने मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 20 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है और जरांगे ने भी इसी तारीख को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की सेहत फिलहाल स्थिर है और अदालत के आदेश पर उनका इलाज किया जा रहा है। AIMIM नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। वारिस पठान मीरा रोड के नया नगर में हुए हंगामे के बाद वहां के लोगों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए उन्हें मीरा रोड के टोल नाके पर ही हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद वारिस पठान ने कहा कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया है और ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
कांग्रेस के चिंतन शिविर से गायब रहने वाले विधायकों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नोटिस दिया जाएगा। दरअसल अशोक चव्हाण द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की ओर से लोनावला में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन करीब 10 विधायक इस शिविर में गायब रहे। चर्चा है कि गायब रहे विधायक अशोक चव्हाण के बाद पार्टी छोड़ने की तैयारी में है और वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस नोटिस भेजने की तैयारी में है। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे मंडल न्यूज। नमस्कार।